महंगाई तो बढ़ती जा रही है जी, किराए का लगाने तो पड़ेगी, मजबूरी है ना लगानी। कितना आप जो है वो पहले कमा पाते थे और कितना कमा पा रहे हैं? पहले एक प्लेट बचाते थे 8-7 रुपये, अब बचते हैं भाई 3-4 रुपये। एक राशन पानी ही सब कुछ नहीं होता ना, वर्दी बच्चों की किताब कॉपी जो भी है, नहीं अगर हम 10,000 रुपये में ऐसा अगर हम 10,000 रुपये महीने आज कमाते, पहले कमाते 25,000, उसी हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना। बस ये चटनी रोटी चल रही है, गुजारा नहीं हो रहा, बस खाने पीने चटनी रोटी से गुजारा कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। दो दो तीन तीन सब्जी बना ले पहले, अब एक ही सब्जी बना के गुजारा करना पड़ेगा। एक ही सब्जी? हाँ जी, वही पूरा तीनों टाइम वही चले, पहनने की कटौती कम होगी, कपड़े लत्ते कहीं सहनी में जाएँ वो कम हो गया, घूमना फिरना कम हो गया, बस घर में ही रहो बंद, वहीं कुछ मिल जाए खाने को तो ठीक है, बाहर जाने की तो हिम्मत है ही ना। मोदी जी के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली, मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। टीवी पर महंगाई की चर्चा मिशन नहीं है, ना ही टैगलाइन में मिशन महंगाई वापसी है, लेकिन मिशन मॉन्यूमेंट वापसी एक नया टैगलाइन चलाया जा रहा है। ऐसे टाइटल कहां से आते हैं? क्या ट्विटर पर चलने वाले हैशटैग से उठाकर टीवी के स्क्रीन पर चिपका दिए जाते हैं? ट्विटर पर हमने देखा कि हैशटैग मॉन्यूमेंट वापसी को लेकर कोई 20-25 ट्वीट है। इसके बाद भी एक न्यूज चैनल अपनी तरफ से मिशन लगा देता है ताकि मान्यता मिले और दर्शकों को लगे कि इस मिशन को पूरा करना उनका भी काम है। आए होंगे महंगाई देखने, लेकिन चैनल उन्हें मिशन का काम पकड़ा रहे हैं। आज इस देश की हालत ये हो गई है कि हालात से ज्यादा मीडिया की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जिस तरह से न्यूज चैनल इन मुद्दों को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जल्दी ही आप देखेंगे कि हजारों लोग कुदाल और खंती लेकर जगह जगह खोदने निकल पड़े हैं। उनके साथ साथ लाखों लोग व्हाट्सएप ग्रुप में यहां से लेकर वहां तक खोदने का सपना देख रहे हैं। ऐसे लोगों को आप ये कतई ना बताएं कि करोड़ों वर्ष पहले हिमालय टिथिस सागर से निकला था, वरना ये लोग टिथिस सागर की वापसी के लिए हिमालय भी खोद डालेंगे। किसी भी दौर में मूर्खता की ऐसी समानता और बहुलता नहीं देखी गई है। उदयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार इतिहास गढ़ने में लगी है, जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्र निर्माताओं का अपमान कर रही है, उनके बारे में मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही हैं और उनके योगदानों पर हमले किए जा रहे हैं, गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन किया जा रहा है। क्या यह इशारा है कि कांग्रेस नेहरू पर हुए हमले का जवाब देगी? कई साल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू को लेकर मनगढ़ंत बातें फैलाई जाती रही हैं। कांग्रेस ने कभी इस पर प्रतिवाद नहीं किया, औपचारिकता से आगे नहीं निकली। नतीजा ये हुआ कि ये सारी मनगढ़ंत बातें जनता के बीच स्थापित होती चली गईं। क्या सोनिया गांधी ने नेहरू का जिक्र भर किया है या उनकी पार्टी नेहरू को लेकर जवाबी अभियान चलाएगी? प्रधानमंत्री ने लोकसभा में महंगाई को लेकर नेहरू की हंसी उड़ा दी थी, तब कांग्रेस औपचारिक रूप से जवाब देने के अलावा कुछ न कर सकी। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में लगातार ध्रुवीकरण का माहौल बनाए रखना चाहती है ताकि लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना रहे। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है जो हमारे समाज का अभिन्न अंग है और बराबर के नागरिक। भय फैलाकर नौकरशाही और कॉरपोरेट और मीडिया के एक तबके को डराया जा रहा है ताकि जो कहा जाए वही करें और वही लिखें। कांग्रेस एक मुश्किल दौर में है। तमाम चुनावों में हार के बाद उसके कई नेता पार्टी छोड़ने लगे हैं। कांग्रेस के सामने संगठन को खड़ा करने की चुनौती है तो उन मुद्दों को धार देने की भी, जिनकी कमी के कारण वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पा रही है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना तो है, मगर कांग्रेस की अपनी अलग आर्थिक नीतियां क्या होंगी? क्या कुछ नए प्रस्ताव देखने को मिलेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड को ही लीजिए, जिसके जरिए चुनावी चंदे का गुप्त खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस कभी इसे बड़ा मुद्दा नहीं बना सकी,
नतीजा यह है कि आज चंदों की थैली एक पार्टी के पक्ष में झुक गई है, दूसरे तमाम दलों की आर्थिक हालत चरमरा गई है। उदयपुर का शिविर देश के इस प्रमुख विपक्षी दल के लिए काफी अहम है। सोनिया गांधी बार बार सामूहिक विशाल प्रयास का जिक्र कर रही हैं। जाहिर है संकट को वह भी समझ रही हैं और जानती हैं कि कांग्रेस बचेगी तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से, बशर्ते वे कांग्रेस में भी बचे रहें। कांग्रेस का राजस्थान में नव संकल्प शिविर, इस यात्रा की शुरुआत भी कुछ नए अंदाज में हुई। राहुल गांधी ने दिल्ली से उदयपुर का सफर ट्रेन से तय किया। कई वरिष्ठ नेता भी इस यात्रा में हमसफर रहे। उदयपुर रेलवे स्टेशन पे स्वागत और फिर बस से रवाना हुए होटल के लिए। कांग्रेस का ये 3 दिवसीय नवसंकल्प शिविर ऐसे वक्त में हो रहा है जब पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। नेतृत्व का सवाल तो है ही, एक एक राज्य कांग्रेस गंवाती चली गई है। 2014 में केंद्र गंवाया था, 19 में वापसी नहीं कर पाई और अब सिर्फ 2 राज्य में कांग्रेस की अपने बूते सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यहाँ भी अगले साल चुनाव होना है और जीत कराना एक बड़ी चुनौती होगी। जाहिर सी बात है कि न सिर्फ 2024 देखना है कांग्रेस को, बल्कि राज्यों में सत्ता में वापसी का रास्ता भी देखना है। लेकिन क्या पार्टी परिवर्तन के मूड में है? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कह दिया है कि ये परिवर्तन अब टाला नहीं जा सकता है। रणनीति में बदलाव, दक्षता सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में परिवर्तन, एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है। लेकिन मैं ये भी जोर देकर कहना चाहती हूँ कि हमारा पूर्ण उत्थान सिर्फ विशाल सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा और वो विशाल सामूहिक प्रयास ना टाले जा सकते हैं, नहीं टाले जाएंगे। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। पार्टी संगठनात्मक बदलाव करने की तैयारी में दिख रही है। युवाओं को आगे लाने के लिए प्रस्ताव है कि पार्टी में 50% पोस्ट 50 की कम उम्र वालों के लिए आरक्षित रखें। कई नेता एक पद पर 5 साल रहे, फिर 3 साल अलग रहे। साथ ही एक परिवार एक टिकट का नियम लागू हो। नेता के रिश्तेदार को तभी टिकट मिलेगा जब उसने पार्टी के लिए 5 साल काम किया हो। यानी बदलाव के साथ साथ परिवारों को बचाने की कवायद भी दिखती है। एक पार्टी एक टिकट का नियम होना चाहिए और यदि किसी नेता के रिश्तेदार को चुनाव लड़ना हो, उसे टिकट तभी मिलेगा जब उसने पार्टी के लिए 5 साल काम किया हो। पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कई राज्यों में नेतृत्व का टकराव, खासकर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में। कई राज्यों में ओल्ड गार्ड पद छोड़ने पर राजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो देश की विविधता को प्रकाशित करे। देश में युवाओं को स्थान बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की बात प्रियंका गांधी जी ने पहले भी की है। विभिन्न जो हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उनको राजनीतिक रूप से और उनको ताकत दिया जाए, इसको लेके हम चाहते हैं कि हमारे जो पार्टी हर स्तर पे, बूथ से लेके सर्वश्रेष्ठ स्तर तक, हमारी पार्टी और ओपन, इंक्लूसिव और डाइवर्स बने। सामाजिक न्याय, राजनीति, संगठनात्मक बदलाव, कृषि, अर्थव्यवस्था और युवा सशक्तिकरण के मुद्दों पे अलग अलग समूह बना दिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सभी समूहों के साथ चर्चा में शामिल रह सकेंगे। अगले 3 दिन तक यहाँ पर कांग्रेस का मंथन चलेगा, लेकिन क्या पार्टी अपने लिए नई दिशा तय कर पाएगी, ये देखना आगे है। उदयपुर से कैमरा पर्सन अशोक माले और उमा शंकर सिंह के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महंगाई को ही लीजिए, 8 साल में सबसे अधिक है। यह सही है कि गोदी मीडिया ने महंगाई पर विपक्ष के प्रदर्शनों और बयानों को कम दिखाया, लेकिन यह भी सही है कि जिस मुद्दे से जनता इतनी परेशान है, उसके बाद भी कांग्रेस उसके बीच जगह नहीं बना पा रही है। जनता अपनी परेशानी विपक्षी दलों के सहारे नहीं कहना चाहती। महंगाई को लेकर विपक्ष के प्रदर्शनों से जनता अपनी दूरी बनाए रखती है। उधर गोदी मीडिया महंगाई के मुद्दे को जनता से दूर रखने के लिए मॉन्यूमेंट वापसी जैसे बोगस अभियानों को खड़ा करते रहता है। दक्षिण दिल्ली के इस ठेले पर नींबू 250 रुपए किलो, बीन्स और मटर 120 रुपए किलो, परवल और कटहल 80 रुपए किलो,
बैंगन 50 रुपए किलो, भिंडी शिमला मिर्च और तोरी 60 रुपए किलो। क्या आम आदमी 50-60 से लेकर 120 और 250 रुपए वाली सब्जी खरीद पाता होगा, या वह 25-30 रुपए किलो आलू और प्याज से ही अपना काम चला रहा है? सब्जियों के साथ साथ मसाले से लेकर खाद्य तेलों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। केवल पेट्रोल और खाद्य तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, आप उन चीजों के भी दाम ज्यादा दे रहे हैं जो सरकार की सूची में नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि महंगाई के वास्तविक दर 7.79% की जगह 14-15% तक हो सकती है। जब मार्च का डेटा आया था तब भी इन्हीं लोगों ने कहा था कि अप्रैल में महंगाई की दर 7-8% रहेगी, और जब अप्रैल का डेटा आया तो 7.79% दर हो गई। आम लोगों पर महंगाई का क्या असर पड़ता है, इसे लेकर रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय की राय विचित्र रूप से अलग नजर आती है। 4 मई को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं कि लगातार अधिक महंगाई दर से देश के गरीब तबके पर बुरा असर पड़ रहा है, उनकी क्रय शक्ति हवा होती जा रही है। इसके उलट 12 मई को वित्त मंत्रालय का बयान छपता है कि लोग किस तरह से उपभोग कर रहे हैं। इसके प्रमाण बताते हैं कि भारत में अमीर तबके की तुलना में कम आमदनी वाले तबके पर महंगाई का असर बहुत कम पड़ रहा है। इस तरह की बातें तो छप रही हैं। क्या यह कहा जा रहा है कि महंगाई से अमीर परेशान है, गरीबों या आम आदमी पर कम असर है? सुशील महापात्रा दिल्ली के एक ढाबे पर गए। उन्होंने बताया कि महंगाई की मार दोतरफा है, दाम बढ़ाते हैं तो उनके पास ग्राहक नहीं आते हैं, और नहीं बढ़ाते हैं तो कमाई नहीं होती है। बहुत दिक्कत हो रही है सर, महंगाई के हिसाब से देखते हुए गैस सिलेंडर बढ़ गया, आटे के दाम बढ़ गए, चावल के बढ़ गए, राजमा के बढ़ गए, और तेल के सबसे ज़्यादा बढ़े हुए हैं सर। जो तेल हमारे पास 100 रुपये लीटर या 120-110 आता था, आज वो 150 से ऊपर ही आ रहा है, ये हिसाब हो रहा है सर। और खाने का दाम हम इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सब मजदूर लोग आते हैं, सब जो है क्या मध्यम वर्ग के आते हैं, ऑटो वाले आते हैं, ऑफिसों के गार्ड आते हैं, और सब ये जो आते हैं मध्यम वर्ग के, इस हिसाब से हम भी मजदूर हैं, सामने वाले की परेशानी समझते हैं, इस हिसाब से हम चाहते हैं कि सामने वाले को परेशानी ना हो, सस्ते में खाना खिलाएं उनको, ये हमारा भाव है। तो क्या आपने, चलिए दाम तो नहीं बढ़ाया लेकिन क्या क्वांटिटी कम कर दिया है? नहीं सर, क्वांटिटी भी नहीं कम की, वो तो ग्राहक बताएंगे, हमारे जो यहाँ बैठे हैं जो खा रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में कम की है या क्या हुआ है, बाकी जो पहले था वही अब है, सब कुछ वही है। जी 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 वही है। तो फिर आप कैसे कमाई कैसे कर रहे हैं? जी कमाई पहले थोड़ा बहुत बचता था, अब जो है क्या उसी हिसाब में दाल रोटी निकल रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जो पहले चलता था काम, उस हिसाब से अब नहीं है। तो गैस कितने में खरीदते हैं आप अभी? जी सर कॉमर्शियल सिलेंडर सर मैं खरीदता हूँ 2200 रुपए में। 2200? जी जी सर 2200-2300 रुपए के दाम है कॉमर्शियल सिलेंडर के, बड़े के। अच्छा, ये वाला, कितना ये वाला जो है कितना केजी होता है उसमें? इसमें मेरे ख्याल से 19 केजी होता है। 19 केजी 2200 रुपया? जी जी। कितना सिलेंडर लग जाता है आपका महीने में? महीने का तो नहीं बता सकता सर, मेरा लगभग एक दो दिन में एक या डेढ़ सिलेंडर खाली होता है। दो दिन में? जी जी सर। तो दो दिन में मतलब इसका तो 15-16 सिलेंडर लग जाते हैं आपका महीने में? सर इस हिसाब से तो लग जाता होगा। हाँ जी जी। 15-16 सिलेंडर मतलब तो 35,000 आपका सिर्फ गैस में चला गया। जी सर वो तो जो जाता है वो जाता ही है, क्या करें सर। हाँ जो क्या करें। पहले कितने में खरीदते थे? पहले में ये सिलेंडर जो है क्या हमको 1200-1300 में मिलता था, बाकी उससे उसके बाद बढ़ते ही गए रेट, 1600 में मिलने लगा, 1800 में मिलने लगा, फिर 2000 का हो गया, 2200-2300 इस हिसाब से खरीद रहे हैं सर। सस्ता खाना मिल जाता है। अच्छा, बाहर रेस्टोरेंट में 150 का प्लेट मिलेगा, 120 का मिलेगा, वहाँ तो खा नहीं पाएंगे। अच्छा, यहाँ 20 का पराठा मिल जाता है, 20 के चावल मिल जाते हैं, वो भी सब्जी डाल के। अच्छा, हो जाता है गुजारा। हम लोग का CNG इतना महंगा कर दिया कि 72 रुपये पर के जी CNG है, बताइए, पहले 35 रुपया था। मतलब सरकार बेकार है सर, नहीं चलने वाला है, हम लोग का पेट में लात मारा सर, बताइए। इसीलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि सस्ता खाना है। सस्ता, यहाँ 20 के चावल मिल जाते हैं, 20 के पराठा मिल जाते हैं, हो जाता है गुजारा, कमाई इतना है नहीं, क्या करें। तो ये लोग जो कह रहा है कि नहीं बढ़ाया दाम, दाम नहीं बढ़ाया ये लोग, वो सही है, मिला जुला के सस्ता होटल है। क्योंकि आसपास स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, और आसपास हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल के अंदर इतना महंगा खाना है कि हर एक आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उनके पेशेंट के साथ जो उनके जो अटेंडेंट आते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं, वो अंदर खाना खाने जाते हैं तो खाने में वो क्वालिटी नहीं होती है,
और इतना महंगा होता है कि मतलब कहा नहीं जा सकता। बाहर आके आपको अच्छे से 50 रुपये में एक थाली आराम से भरपेट खाना आपको मिल जाता है और स्वादिष्ट होता है, बहुत बढ़िया खाना होता है। आपका भी अस्पताल में कोई? मेरा वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको तो वो हॉस्पिटल का खाना दिया जा रहा है, बट मैं जब अंदर कैंटीन में गया तो जब मैंने आइटम देखे वहाँ पे, वो पता नहीं कब कब के रखे हुए आइटम फ्रिज के अंदर रखे हैं और इतने कॉस्टली हैं, उस पर नेम ब्रांड लगा हुआ है हॉस्पिटल का और उस पर रेट जो है सुन के मैं तो देख के मैं चुपचाप ही वापस आ गया। आप समोसा खाने जाएंगे 50 रुपये से नीचे का समोसा नहीं है, जो कि यहाँ आम 10 रुपये का मिल जाता है समोसा। चपाती रोटी आप थाली लेंगे 120-150 रुपये की थाली वहाँ पे अंदर, जो यहाँ 50 रुपये में फर्स्ट क्लास खाना मिलता है। मिडिल क्लास भी परेशान है, लेकिन क्या वह महंगाई को लेकर फेसबुक या ट्विटर पर लिख रहा है जैसा पहले कभी लिखा करता था? सोशल मीडिया में महंगाई के खिलाफ लिखने वालों को देखकर लगता है कि ज्यादातर बीजेपी के विरोधी दलों के समर्थक या कार्यकर्ता ही हैं। महंगाई को लेकर मिडिल क्लास की आवाज गायब हो चुकी है। गांव में तो हाल और भी बुरा है, वहां महंगाई के अलावा गर्मी के कारण भी हालत खराब हो रही है। तेज गर्मी के कारण कई अनाज के दाने सूख गए हैं, उत्पादन घट गया है। कोविड के बाद महंगाई और गर्मी से तप रहा यह साल किसानों को और पीछे धकेल रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ से पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट है। सूरज आग उगल रहा है और तपती जमीन में यूं दरारें पड़ रही हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ 42 से 45 डिग्री में झुलस रहा है। सबसे बड़ी आफत किसानों पर टूटी है, खेती सूख रही है, वाटर पंप किसी काम के नहीं क्योंकि बिजली की कटौती का बोझ यहां डबल झटका बना है। सरकार आमची फसवणूक करता है। भंडारा जिले के किसान गौरी शंकर नेरकर और भूमेश्वर गोंदुले कहते हैं कि सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है, वो भी रात 11 बजे से रात 1 बजे तक। ऐसे में खेती कोई करे तो आखिर कैसे? 4 एकड़ खेती है मेरे पास, 4 एकड़ खेती है, 2 में धान लगा है, 2 में गन्ना और दोनों में वाटर पंप लगे हैं। सरकारी आश्वासन था कि 8 से 10 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन सिर्फ 2 घंटे मिल रही है, वो भी रात के 11 से 1 बजे तक। आसपास इंडस्ट्री को 24 घंटे बिजली मिल रही है और हम किसानों को सिर्फ 2 घंटे। हमने मार्च में इधर उधर से कर्जा लेकर लोन भी भरा, सारा बिजली बिल भरा, अब क्या करेंगे? 6 एकड़ खेती है, 6 एकड़ खेती है, धान सब्जी करेला गन्ना सब उगता है, सिर्फ 2 घंटे बिजली मिल रही है। हमने पूछा पावर स्टेशन से तो बोला कि लोड शेडिंग के लिए कहा गया है। हमने कहा बाकी जगह कम करो, किसानों के साथ क्यों? तो बोला कि ऐसे नहीं कर सकते। अमरावती के किसान पंकज जगताप, प्रवीण जुमले जैसे और भी किसान दिखा रहे हैं कि किस तरह से भीषण गर्मी की वजह से इनकी संतरे की खेती बर्बाद हुई है। जहां एक पेड़ पर 2 से 3 हजार संतरे फलते थे, अब 200 से 300 ही दिखते हैं। लाखों के नुकसान का अनुमान है, इसलिए सरकार से अभी से ही मुनासिब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाग है 5 एकड़ मध्य, 5 एकड़ जमीन है जिसमें संतरा लगा है, 1 एकड़ पर 1 लाख खर्चा किया है। वैसे 1 एकड़ से 2 से 3 लाख कमाई हो जाती है, लेकिन इस साल नहीं हो पाएगी क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी 44-45 डिग्री है कि एक पेड़ पर 2 से 3 हजार संतरे फलते थे, उसमें 200-300 ही लगे हैं। इसी कमाई से हमारा घर चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो इतने बड़े नुकसान को देखते हुए सरकार को सही मुआवजा तय करना चाहिए। लगभग मेरे पास 2 हेक्टर का संतरा है, तो इस साल में बढ़ती धूप के कारण संतरे की फसल की जो फलों की गलन हो रही है, मतलब ड्राफ्टिंग हो रहा है, इसकी वजह से संतरे का पूरा नुकसान हो चुका है। अभी पैसों के तौर पर बताएं तो ये नुकसान कम से कम लागत है 1 हेक्टर को 1.5 लाख रुपए की, और नुकसान संतरा न रहने के कारण, संतरे पूरे गलने के कारण ये फसल तो आने वाली नहीं है। मार्च और अप्रैल में तीव्र गर्मी की लहरों का अनुभव करने के बाद मई में भी राहत नहीं है, साथ ही कोयले की किल्लत से राज्य पर लोड शेडिंग का संकट बढ़ा है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल की देखभाल के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ से विनय शुक्ला और संजय शेंडे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। पूजा के बाद अब सोहित की रिपोर्ट। कृष्णा तुसामठ को चोरी करने के आरोप में पीट पीट कर क्यों मारा गया?
क्या इस गुस्से में कृष्णा का दलित होना भी कारण बना? कृष्णा का पूरा परिवार सफाई और कूड़ा उठाने के काम करता है। सफाई का काम करने वाले 30 वर्षीय कृष्णा तुसामाड़ की मौत के एक हफ्ते बाद भी परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब इनके बीच नहीं रहे। चोरी करने के शक में कृष्णा को उनके ही कंपनी के लोगों ने इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कृत्रिम गहने बनाने वाले कंपनी में कृष्णा सफाई का काम करते थे। 7 मई को केवल चोरी करने के शक में कंपनी के लोगों ने उनकी पिटाई की। एक कुर्सी पर बांध कर उन्हें करीब 2.5 घंटे तक पीटा गया। बैट, लोहे के सरिये और लकड़ियों से पिटाई की गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही पीड़ित की मौत हो गई। इस मामले में अभी तक कंपनी के मालिक, उसके बेटे सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शरीर पर निशान थे, इधर पूरा नीला हो गया था, एक निशान इधर था, आँख खोल कर रखी थी, इधर था, ये तो खाली देखा मैंने, वो पूरा इधर से नीला हो गया था। लड़के में थोड़ा भी सांस नहीं, खत्म ही हो रहा था, एकदम पिघलाते रह गया, आँख भी ऐसे खुली थी, खुली थी। मैं बोली, इनको बोली मैं लड़का गया। कृष्णा का पूरा परिवार हरियाणा से आता है। पूरा परिवार सफाई का काम कर घर चलाता है। कृष्णा को कुल 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटी बच्ची की उम्र केवल 6 महीने है। मान तो हमारे मान कुछ नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको बस न्याय मिलना चाहिए। बस हमारे बच्चे भी हो सके थे, हाजिर से प्रार्थना बच्चों की कुछ परवरिश हो जाए। घर के हालात ऐसे है ना, तो खुद की छत है सर पे, वो कमा के लाता तब घर का गुजारा होता था। सिर्फ 4-4 बच्चे हैं, ना तो प्रशासन से किसी ने बात की, ना तो कोई मिलने आया, कुछ नहीं। अगर इसी जगह पे अगर कोई बड़ा आदमी, अगर उसको जरा सी खरोच भी आए ना, तो लाइन लग जाती। लेकिन गरीब होना आज की तारीख में बहुत बड़ा गुनाह है। हम दुनिया की सफाई करने जाते, लेकिन हमारा कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं। अनुसूचित जाति से आने के बावजूद कोई भी नेता या अधिकारी अब तक पीड़ित के परिवार से मिलने नहीं आया। महाराष्ट्र में फिलहाल हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर जैसे मुद्दों के बीच इस मानवीय मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं है। कोई मदद करने आया? कोई मदद करने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, कोई नहीं आया। गरीब लोग आगे कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनता। एक शख्स की केवल इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि लोगों को शक था कि उसने चोरी की। ये मामला मुंबई से सटे भाईंदर इलाके में हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ना ही सरकार और ना ही विपक्ष के नेता इस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। महानगर पालिका चुनावों से पहले फिलहाल हनुमान चालीसा, लाउडस्पीकर, अजान और हिंदुत्व पर ही चर्चा की जा रही है, और ऐसे में इन नेताओं के सामने ऐसे मुद्दों की कोई अहमियत नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। समाज के भीतर हिंसा का आधार व्यापक हो गया है। एक समाज अल्पसंख्यक से लेकर दलितों के भीतर हिंसा की इतनी परतों को उठाकर जब ढोता चलता होगा, तब उसके भीतर क्या कभी खुशियां दस्तक देती होंगी, या हर समय वह किसी को देखकर दांत ही किटकिटाता रहता होगा, खिसियाता रहता होगा, भिनभिनाता रहता होगा, यह उसका कैसा जीवन है? इस नजर से देखेंगे तो इसके बाद देखने लायक कुछ नहीं बचेगा। समाज कुछ अच्छा सोचे और करे, इसके लिए वक्त भी नहीं है। अभी तो लोगों को दिल्ली के गांवों और सड़कों के नाम बदलने में लगाया जाने वाला है। आपका टाइम अच्छा कटने वाला है। यह दिल्ली का अकबर रोड है। इस सड़क को बीजेपी गुलामी का प्रतीक बता रही है, लेकिन उनके सेनापति रहे मानसिंह रोड और टोडरमल रोड पर वो चुप्पी साध जाती है। दिल्ली के सांसद इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह देते हैं। जिन लोगों ने महान का दर्जा दिया होगा, उन्होंने ही उनका नाम अपना रोड के नाम से रखा होगा। ऐसे बहुत सारे शासक रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के ऊपर में बहुत सारे अत्याचार किए हैं, उन सब का नाम बदलने की जरूरत है। सांसद का जवाब गोलमोल है, जबकि बीजेपी अकबर रोड, तुगलक रोड, शाहजहां रोड समेत लुटियन जोन के दर्जन भर सड़कों का नाम बदलना चाहती है। लेकिन जानकार कहते हैं कि नाम बदलने के पीछे राजनीति नहीं, तर्क होना चाहिए। जब अंग्रेजों ने अमेरिका छोड़ा और नया अमेरिका बसना शुरू हुआ, तो आपने सुना होगा कि किंग्स कॉलेज का नाम बदल के कोलंबिया यूनिवर्सिटी कर दिया गया। अफ्रीका में बहुत से डर्बन सिटी का नाम बदल दिया गया।
दुनिया के हर जगह नाम बदलने की कवायद चलती है, पर वो नाम जो बदले जाएं वो एक तो तर्क पर आधारित हों, समावेशी हों, समाज के सभी वर्गों के हितों को, आकांक्षाओं को और सभी संस्कृतियों के सम्मिलन पर आधारित हों। तो जो नाम बदले जाएं वो मेरा अपना मानना है तर्क पर रखे जाएं। इसी के चलते आज हम दिल्ली के विरासत में नामों की अहमियत को इतिहासकारों की निगाह से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आजादी से पहले लुटियन जोन की इन सड़कों का नाम रखने का श्रेय टीजीपी स्पेयर को दिया जाता है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर स्पेयर की इन किताबों और पुराने नक्शों को देखें तो पता चलता है कि दिल्ली से जुड़े रहे ऐतिहासिक शख्सियतों के नाम से सड़कों के नाम रखे गए। ऐसे शासक जो कि जिनका दिल्ली के साथ एक जुड़ाव था, या ऐसे जो बहुत चाहे तो बहुत महत्वपूर्ण थे, खास करके वैसे लोग जिनके जुड़ दिल्ली के साथ जुड़ाव था, जिसमें आप अशोक रोड कहते हैं, जिसको या अकबर रोड या पृथ्वीराज रोड या तुगलक रोड या फिर पेशवा और सिंधिया रोड, क्योंकि 18वीं शताब्दी में भी वो दिल्ली से जुड़े हुए थे। और इस सिलसिले में मुझे एक वाकया याद आता है कि जब भी आप इंडिया गेट के पास आप जाते हैं तो इंडिया गेट को पहले प्रिंसेस पार्क के नाम से जानते थे, तो उसके इर्द गिर्द वो जो गोल चक्कर है उसके इर्द गिर्द रेडियल रोड्स जाते हैं, और इन रेडियल रोड्स के जो नाम थे वो भी शासक के नाम थे, जिसमें अशोक हो गए या फिर शाहजहां हो गए या फिर अकबर रोड हो गए, और एक रोड जो है वो पंडारा रोड के नाम से जाना जाता है। जब इसमें थोड़ी छानबीन की गई थी तो ये लगाया गया कि कहीं ना कहीं संभवतः इसका नाम पांडवा के नाम पे जाना लगेगा, पांडवा क्योंकि हस्तिनापुर से और दिल्ली से जुड़े हुए थे वो करने के लिए, तो संभवतः ये पांडवों के नाम पे था, लेकिन किसी क्लर्क ने गलती से उसको गलत टाइप कर दिया, वी को आर टाइप कर दिया, जिसकी वजह से वो पंडारा रोड के नाम से जाना जाने लगा। कभी आपने सोचा कि लुटियन जोन की ज्यादातर सड़कों के नाम जब शासकों और तमाम वायसरायों के नाम से हैं तब आखिर ये कुशक रोड क्यों नाम रखा गया? दरअसल यहाँ पर कभी कुशक गांव बसा हुआ था, लेकिन जब नई दिल्ली के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो कुशक, रायसीना और मालचा जैसे गांवों को यहाँ से उजाड़ा गया। नई दिल्ली की बसावट में इन ग्रामीणों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए ही कुशक रोड जैसा नाम रखा गया है। इसी से लगता है कि नाम बदलने की रणनीति को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस हो या अब बीजेपी, करजन रोड, डलहौजी रोड, रेसकोर्स जैसे नामों को इतिहास बनाकर वाह वाह ही बटोर चुकी है। लेकिन हाल के दिनों में हर ऐतिहासिक इमारतों में गुलामी की दास्तान के नाम पर विवाद पैदा करना नया सियासी चलन बनता जा रहा है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कल 35 साल के कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की तहसीलदार दफ्तर में गोली मारकर हत्या के बाद से लोग गुस्से में हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की है। 6 महीने में 3 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी है। ये मामला बडगाम के चदूरा गांव का है। गोली लगने से राहुल भट्ट बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि 2 आतंकवादी सरकारी दफ्तर में घुसे और राहुल भट्ट को गोली मार दी जो वहां काम करते थे। जम्मू कश्मीर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बडगाम, जम्मू और अनंतनाग में प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली में बुलडोजर को लेकर सियासत तेज हो गई है। एमसीडी के बुलडोजर शुक्रवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में चले तो दिल्ली सरकार ने बीजेपी शासित एमसीडी पर 63 लाख घरों को तोड़ने की तैयारी का आरोप लगाया है। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एमसीडी के बुलडोजरों ने गरीबों की रेहड़ी पटरियां तोड़ दी।
भारी पुलिस बल तैनात था तो विरोध करने वाले भी चुपचाप अपना रोजगार उजड़ता देखते रहे। वहीं गुरुवार को मदनपुर खादर में एमसीडी के बुलडोजरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आप विधायक अमानतुल्ला की गिरफ्तारी के विरोध में ओखला के सारे बाजार बंद रहे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी शासित एमसीडी पर वसूली करने का आरोप लगाया है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बताया कि एमसीडी दिल्ली के 63 लाख घरों को तोड़ने का प्लान कर रही है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि वो शनिवार 11 बजे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर बाहर अवैध अतिक्रमण हटाने बुलडोजर लेकर जाएंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में सर्वे का काम शनिवार से शुरू होगा। आज इस सिलसिले में प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ बैठक की और अदालत के आदेश को पूरा कराने की सहमति बनाई। इस बीच मस्जिद पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को रोकने की अपील दायर की। वाराणसी के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में जिलाधिकारी ने सभी पक्षों के साथ बैठक की ताकि अदालत के आदेश पर आम राय से अमल हो पाए। वैसे निचली अदालत के फैसले पर मुस्लिम पक्ष कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं था। शुक्रवार को उनके वकील सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जहां उन्होंने दलील दी कि 1991 में दाखिल किए गए मूल मुकदमे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, लेकिन उस मामले को बाईपास करने के लिए 2021 में दूसरी याचिका दाखिल की गई। इस मामले में दोनों याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ हैं। अदालत ने सर्वे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन आगे इस पर सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्षकार इन दलीलों के साथ सर्वोच्च अदालत पहुंचे हैं। अदालत इस पर क्या निर्णय देता है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नियुक्त किए गए एडवोकेट, कमिश्नर और जिला प्रशासन शनिवार से सर्वे की कार्रवाई शुरू करेंगे। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, इस बात की मांग को लेकर अब मुंबई बीजेपी में भी आवाज उठने लगी है। बीजेपी के उत्तर भारतीय नेता और मुंबई बीजेपी प्रवक्ता संजय ठाकुर ने राज ठाकरे को पत्र लिखकर माफी मांगने को कहा है। हालांकि उसके तुरंत बाद बीजेपी के दूसरे उत्तर भारतीय नेताओं ने बयान जारी कर उसे संजय ठाकुर का व्यक्तिगत बयान बताया। इससे पहले बीजेपी के एक और नेता बृजभूषण सिंह ने यही मांग की थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ही दरकिनार कर दी थी। लिहाजा पार्टी के दूसरे उत्तर भारतीय नेताओं ने भी संजय ठाकुर के बयान से खुद को अलग करने में देर नहीं की। कभी सिर्फ मराठी अस्मिता की बात करने वाले राज ठाकरे पर मुंबई में उत्तर भारतीयों की पिटाई का आरोप है, कभी रेलवे की परीक्षा देने आए युवकों की तो कभी फेरी वाले और टैक्सी चालकों की। लेकिन जब से शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से बीजेपी उसे हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में लगी है। ऐसे में राज ठाकरे एक बड़े नेता के तौर पर पेश करना उनकी राजनीति का हिस्सा है। ट्विटर की पूरी मिल्कियत हासिल करने में लगे दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स एलन मस्क ने एक ट्वीट से झटका दिया, लिख दिया कि ट्विटर के साथ सौदा फिलहाल होल्ड पर है, तब तक के लिए जब वाकई ये साफ नहीं हो जाता कि क्या फेक या स्पैम अकाउंट 5% इस्तेमालकर्ताओं से कम है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मस्क ने ट्विटर का स्टॉक और ज्यादा गिरने से रोक लिया, कहा कि वो अब भी ट्विटर खरीदने के लिए तैयार है। ट्विटर की खरीद को लेकर चल रहे इस ट्विस्ट के बीच मस्क अब भी स्पैम बॉट अकाउंट की सफाई के लिए तैयार हैं, लेकिन इस नए ट्विस्ट की वजह क्या थी? खबरों के मुताबिक अगर स्पैम अकाउंट 5% या उससे ऊपर हो तो ये जोखिम है कि मस्क $44 बिलियन में कुछ ज्यादा भुगतान कर रहे हों। खैर, पैसे ज्यादा हों या कम, मस्क खरीद को लेकर अपने इरादे से पक्के नजर आते हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।